मेरे उत्तराखंड में घास यानी न्यार को भंडारण करने की ये तकनीकी बहुत पुरानी है। और एक तरफ जब हमारे उत्तराखंड में खेत का काम होता है तो महिलाएं इस भंडारण किए हुए घास को अपने पशुओं को चारे के रूप में उपयोग करती हैं और अपने कार्य बोझ को कम करती हैं और उन्हें अपने लिए समय मिल पाता है। हमारा भाई पूरा साल भर चलन घास पूरा एक साल चलो बस क्या बात है। परी गर्मी में घास नहीं हो गाय भैंसों समझो कि ये घास पूर करन हम हमारी और मौसम पर घास नहीं होने एक टाइम पे हूँ बस सिर्फ बस क्या हो घास। आप किस किस टाइम पे इस बचत किए हुए घास को पेड़ से निकालते हैं? हम निकालते हैं सुबह शाम को हम एक गडूली निकाल के ला गया परनों से तो दिन भर रात भर के लिए वो हो जाता है। घास हम खास कर इसलिए पालते हैं कि पशु को पालने के लिए पशु हमको दूध देगा। दूध हमारे स्वास्थ्य में लाभदायक होगा और जो उससे गोबर होगी उससे खेतों में डालेंगे अनाज पैदा होगा। हम इसको गर्मी में हम पेड़ लगा देते हैं सर्दियों में से निकाल देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ गिरती है घास जो है ये गर्म होती है। अगर आपके यहाँ ये न्यार टका हुआ घास नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा कि अगर हम पर वो है बाहर से लाने की शक्ति है पैसा है तो हम बाहर से लाएंगे और अगर बाहर से नहीं ला पाए जितना हमारी इनकम नहीं है तो हम जो है इसको पशु को बेच देंगे। भूख से मरेगा ना हमारा गाय भैंस। मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड में ये घास का भंडारण व्यापक रूप में हो और यहाँ के लोग भी इसे अपनाएं। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।